नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। माँ, आप मुझे जो जेब खर्च देती है उससे मैं इस लड़की को पैसे दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना जब तुम्हें एक महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है माँ। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी। सच्चा दान। मालबार केरल की बात है। वहाँ बड़ग्रा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? इसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवा कर आपकी मदद कर रहे हैं। तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। अर्पिता, खुशबू, प्रियांशी, तारा।
शुक्र।